पूरे हिंदुस्तान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। वहीं नौतप्पे का आज चौथा दिन है। जगदलपुर शहर का तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। कोरोना की वजह से एक ओर लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी ओर गर्म हवा के वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी भीषण गर्मी में जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के पास एक 80 साल का बुजुर्ग रिक्शा चलाता हुआ नजर आया। इस तेज धूप व भीषण गर्मी में जूझता नजर आया। इस उम्र में लोग या तो दुनिया छोड़ देते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन इस रिक्शा वाले की हिम्मत देखने लायक है। रिक्शा चालक ने बताया कि यदि वह काम नहीं करेगा तो भूख से दम टूट जाएगा। ऐसी उम्र है कि भारी सामान नहीं उठा सकता हूँ, इसलिए जो गरीब सवारी मिलती है उसे ही औने पौने दाम पर उनके ठिकाने तक पहुँचा देता हूँ। थके हारे होने की वजह से वह पैदल ही रिक्शा खींचता नजर आया। इस उम्र में रिक्शा चालक हिम्मत नहीं हारी, वह हाथ से ही रिक्शा खींचता दिखाई दिया। जो भी सवारी पैसे देती है सवारी को उनके ठिकाने तक पहुंचा देता है। इस उम्र में या तो लोग दुनिया छोड़ जाते हैं या फिर खटिया पकड़ लेते हैं, लेकिन जगदलपुर के इस बुजुर्ग की हिम्मत की दाद देनी होगी। इंसान अगर किसी भी उम्र में काम करने की ठान ले तो कोई उम्र बाधा नहीं आती। मेरा नाम है बाबा रिक्शा वाला। मैं रिक्शा चलाते चलाते मैं अपना पेट पालता हूँ। मेरे को देखने वाले बोलते हैं डोकरा आदमी इतना साल का बुजुर्ग रिक्शा चलाता है, बोलते हैं साहब, तो मेरे को देगा कौन? इसलिए मैं अपना कोई देने वाला नहीं है, ना आगे ना पीछे। ये गर्मी इतना गर्मी है बाबा, आदमी तो रास्ता में चलते चलते भी नष्ट भी हो जा रहे हैं। लेकिन अपने को थोड़ा भगवान की दुआ से थोड़ा बहुत हाथ पैर चल रहा है बोल के खींचते खींचते जब भी पहुँचा देता हूँ। जो भी देते हैं वो 10 हो 20 हो 5 हो बस अपना काम चल जाता है बाबू। अरे 70 साल हो गया मेरा ये जगदलपुर में रिक्शा चलाते चलाते। अभी क्या समय है साहब, अभी नहीं है चलाने का। देखा गया पर जैसे ठेला टाइम का ऐसी करके अपना पेट पालना जरूरी है भाई, क्या करेंगे, कौन देगा। TCB 24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से आनंद झा की रिपोर्ट।